पूरा डॉक्टर्स पर तशद्दुद नामंजूर। वाईटीए मैदान में आ गई। सर्विसेज अस्पताल के ओपीडी बंद करके एहतजाज। तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर अस्पताल बंद करने की धमकी दे दी। अदालती फैसले की नकूल मिलने में ताखिर पर वकील मौला जट बन गया। डंडा उठाया, डायलॉग बोले और हाईकोर्ट कॉपी ब्रांच के शीशे तोड़ डाले। आपस से बाहर होने वाला वकील गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पोल खरीदा मिशन इम्पॉसिबल। 3 लाख नोट शेप में होंगे तो मुर्गी खाने को मिलेगी। ब्रॉयलर की कीमत में 11 रुपए का इजाफा। 360 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। गधा गाड़ी वो भी किराए पर। सारफीन से भारी बिलों की वसूली के बावजूद लेस्को के बुरे हालात। शाहदरा सब डिवीजन की आमदनी ने सामान शिफ्ट करने के लिए गधा गाड़ी करा ली। चोरी की गाड़ी हो या इश्तिहारी, चाहे बनवाया हो या चाली लाइसेंस, सब फड़े जाएंगे। स्पेशल सॉफ्टवेयर मोटरवे पुलिस के हवाले। सॉफ्टवेयर में मुल्क भर के 125 करोड़ शहरियों का डेटा मौजूद है। T20 मैचेस की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का मिशन। CCPO, CTO के कजाफी स्टेडियम और लिबर्टी के अलग अलग दौरे। सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम का जायजा लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन में क्रिकेट टाकरा। फैयाजुल हसन चौहान और अली हैदर गिलानी ने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। कोरोना के मुहलिक बार जारी। 24 घंटों के दौरान सुबह भर से 465 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में 221 अफराद मूसी वायरस में मुबतला, 6 जान से गए। शहर में डेंगू के 139 मरीज रिपोर्ट। रवासाल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 2772 कंफर्म केसेस। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद का UC-82 का दौरा। इंडोर डेंगू सर्वेलेंस का जायजा। 1 डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। डेंगू स्प्रे भी करवा दिया गया। जेल निजाम में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। वज़ीर-आला ने 4930 वार्डन भर्ती करने की असूली मंजूरी दे दी। जेलों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियां भी पूर करने की हिदायत। मुल्क में बदअमनी के बढ़ते वाकयात हमारी कौमी तवज्जो और जायजे के मुतकाज़ी हैं। शहबाज शरीफ की कोटलाडू के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके की मज़म्मत। कहा रेलवे हादसात के बाद अब बदअमनी के वाकयात में इजाफा 22 से तशवीश है। यूसुफ रजा गिलानी को बिरून मुल्क जाने से रोकना फस्तायत की मिसाल है। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ फट पड़े। कहते हैं ऐसे हथकंडों के बाद हुकूमत अपोजिशन के साथ मिल बैठने की तवक्का छोड़ दे। बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग ने शहरियों को सही मरीज बना दिया। बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मजबती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद हिना परवेज बट ने जमा करवाई। महकमा हायर एजुकेशन के 900 असातिज़ा 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। पंजाब असेंबली में सादिया तैमूर ने करारदाद जमा करा दी। तनख्वाहें न मिलने पर असातिज़ा के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मतन LGA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। लामा इकबाल टाउन, आसम गार्डन और सब्जाजार में गैर कानूनी तामीरात मस्मार। ऑपरेशन में एनफोर्समेंट अमले समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। ग्यारह से ज्यादा सुपर स्टोर था हाल FBR के सिस्टम से बाहर। FBR ने 60% इनपुट एडजस्टमेंट देने से इनकार कर दिया। सुपर स्टोर को FBR के सिस्टम से मुंसलिक होने के लिए 10 अक्टूबर तक की मोहलत।
वर्किंग वुमेन का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा, करारदाद लीग रुकन असेंबली राबिया नुसरत ने जमा कराई। जगहों पर खवातीन को कम अज कम उजरत के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जाती। मातम सर्विस कमीशन से ASI का इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों की अदम तैनाती का मामला सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाप्त। अदालत ने बशारत जावेद की अपील गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दी। तुर्क अदाकार से फ्रॉड का केस, पुलिस की जानिब से मुलजिम काशिफ जमीर को जिला कचहरी में पेश किया गया। अदालत ने काशिफ जमीर के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा ने केस पर समाप्त की। रावतपिंडी रिंग रोड में सुबह में करप्शन का केस, साबिक कमिश्नर रावतपिंडी रिंग रोड पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद महमूद और वसीम वली ताबिश जिला कचहरी में पेश। अदालत ने मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोजा तौसी कर दी। पेट्रोलियम असरात की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आ गया। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर, अदालत ने विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया। जिला कचहरी में मस्जिद वजीर खान में शूटिंग का केस, अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद पेश, हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने आइंदा समाअत में मुलजिमान को चालान की नकुल फराहम करने का हुक्म दे दिया। अजहर नाहिद मेडिकल कॉलेज का एजाज, इफ्तिताही सेशन में सुपीरियर के डीन्स, HODs और प्रोग्राम लीडर्स को आगाही दी गई। और सूरज का बैसाख बरहम, दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत और अपोजिशन में क्रिकेट टाकरा, नून लीग की ना के बावजूद फयाज हसन चौहान का क्रिकेट मैच कराने का ऐलान। फयाज हसन चौहान और अली हैदर गिलानी ने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। फयाज हसन चौहान कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। 9 अक्टूबर को हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी की टीम में मैच होगा। आपको अपडेट कर रखेगा, हुकूमत और अपोजिशन में क्रिकेट टाकरा, नून लीग के ना के बावजूद फयाज हसन चौहान का क्रिकेट मैच कराने का ऐलान। फयाज हसन चौहान और अली हैदर गिलानी ने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। और यहां आपको ताजा तरीन खबर से आगाह करें कि फयाज हसन चौहान को तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया है। मुआवन खसूसी वजीर आला हसन खावर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऐवान वजीर आला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब 13 अगस्त 2021 को फयाज हसन चौहान के लिए तर्जुमान हुकूमत का नोटिफिकेशन जो है वो मनसूख कर दिया गया है। हसन खावर बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब खिदमात जो है वो सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रखे हैं, फयाज हसन चौहान को तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया है। मुआवन खसूसी वजीर आला हसन खावर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर, ऐवान वजीर आला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 13 अगस्त 2021 को फयाज हसन चौहान के लिए तर्जुमान हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अपडेट किया जा रहा है कि 13 अगस्त 2021 को फयाज हसन चौहान के लिए तर्जुमान हुकूमत का नोटिफिकेशन जो है वो मंसूख कर दिया गया है।